नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भजनी ठेका ताल कहरवा के अंतर्गत विशेष बोल। ये बोल बहुत सुंदर हैं, बजने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और मैं आज आपको इसका सरलतम विधि से आप कैसे बजा सकते हैं इसको सिखाऊंगा। तो बोल आपको मैं बजा करके बताता हूँ। वैसे ये बोल गाने में भी लगे हैं और जो स्पेशल बोल मैं आपके लिए बजाऊंगा वो बताऊंगा कि कौन से गाने में लगा। पहले शुरुआत करते हैं जो इसका बेस ठेका है वहाँ से। तो बोल कुछ इस प्रकार से हैं। धा ता तू और सेकंड हाफ में बजेगा ता ते धा ता तू। तो ये बहुत सरल बोल है, आपको इसका बजाने का थोड़ा तरीका सीखना है। बोल हुआ हमारा धा ते धा ता तू और ता ते धा ता तू। तो देखिए कैसे बजेगा ये धा तित। जब हम तिरकिट के लिए ती शब्द के लिए हम सेकंड थर्ड फिंगर को हम शाही पे रखते हैं ती बोल निकलता, तो वो ती बोल आपको यहाँ बजाना है धा तित धा ता तू ता तित धा ता तू। आपको दो बार यहाँ पे आपको था का प्रयोग लेना है आखिरी में तू बोल के ऊपर। तो फिर से देखिए, आपको मैं स्लो मोशन बजा के बताता हूँ उसका धा तित धा ता तू ता तित धा ता। तो आप देखिए इसको लय में कैसे बजेगा। ये आपके लिए अगला बोल होगा। इस बोल में आपको ध्यान देना है, या आप यदि बोल को सुनेंगे मैं आपको एक बार बजा के बताता हूँ, फिर आपको यदि आपके दिमाग में बात आती है तो आप कहीं आपने सुना है ये बोल तो ऐसा लगता है, मैं बताऊँगा आपको कौन से गाने में बजा है। पहले मैं आपको बजा के बताता हूँ ये। अदनान सामी जी का एक गाना है चैन मुझे अब आए ना, उसमें ये बोल बजा हुआ है। तो आप यदि इस बोल को सीखेंगे तो वो गाने को आप अच्छे से बजा लेंगे। तो ये बोल है जो हमारा पहला विभाग है इसमें, या फर्स्ट हाफ जो हमारा है वो वैसे ही बजेगा धा तित धाता तू, पर जब सेकंड हाफ में हम बजाएंगे वहाँ बजाएंगे ता ता तत धुन। तो कैसे बजेगा देखिए आप धा तित धा ता तू। ये पहला विभाग या पहला हाफ हमारा हो गया, सेकंड में हम ता ता तत धुन ता ता तत धुन। अब ये इसमें एक खासियत है कि तत धुन कैसे बजेगा ता ता तत धुन। तो देखिए आप ता ता तो हमको जैसा ना हमारा बजता वैसे बजेगा। तत धुन के लिए आपको तत के लिए इस फर्स्ट फिंगर को आपको किनार पे मारना है और सेकंड थर्ड से आपको शाही के ऊपर लगा के रखना है, उसको वहाँ से उठाना नहीं है। तो जैसे हमारा
तबले पे गूंज बंद रहेगी और हम यदि इसको किनार में मारेंगे तत् करके बोल निकलेगा, तत् कुछ इस प्रकार से। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि जो हमारे जो हाथ का प्रेशर होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा पूरे कलाई का भी प्रेशर उसमें थोड़ा सा ऊपर उठ के इस बॉल को बजाए तत् को, तो उस बॉल की जो प्योरिटी होना चाहिए उसमें वो आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। यदि आप ऐसा बजाएंगे तो उसमें दम नहीं आएगा, पूरे हाथ में थोड़ा सा उस बॉल पे प्रेशर होना चाहिए। इस प्रकार से और जो तत् धुन बज रहा है तो धुन के लिए आपको जो तुन हमारा शब्द बजता है जो खुला तीन होता है तुन जो हमारे शाही के ऊपर मारने से फर्स्ट फिंगर से बजता है, उसके साथ आपको घे का प्रयोग मतलब हमारे डगे का प्रयोग करना है तो धुन करके एक शब्द निकलेगा धुन, तो ता ता तत् धुन इस प्रकार से। तो ये बोल फिर से आप एक बार देखिए कैसे बजता है। ये बोल बहुत सुंदर है और जिस गाने में मैंने आपको बताया है उस गाने में लगाएंगे तो आप यदि गाना सुनेंगे तो आपको ये बोल वहाँ पे सुनाई भी देगा। अगला ही बोल इसका अगला जो प्रकार है वो भी आपको दूसरे विभाग यानी सेकंड हाफ में कुछ बदलाव करके करना है, तो देखिए कैसे बजेगा वो। बोल है हमारा धातित धातातु फिर ताकड़ ताकड़ तत् धुन। अब इसमें हमने जहाँ पिछले बोल में ताता करके दो ताता तत् धुन करके वापरा था उसकी जगह हमने दो बार ताकड़ ताकड़ बोल लगाया, तो चूंकि फर्स्ट हाफ आपको बताने की जरूरत नहीं फिर भी समझा देता हूँ मैं आपको। धातित धातातु ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ में हम ताकड़ ताकड़ तत् धुन बजाएंगे, तो कैसे बजेगा ता कड़ ता कड़। जो कड़ शब्द निकलता है वो क और ड, ये हमारे सेकंड और थर्ड फिंगर जब हमारा शाही और मैदान के बीच आके लगता है तो कड़ शब्द निकलता है जिसमें थोड़ी सी बहुत मामूली सी गूंज होती है, पूरा बंद नहीं होता है ना, तो कुछ इस प्रकार ताकड़ 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 ताक। तो ताकड़ इस प्रकार ताकड़ बजेगा, तो बोले हमारा ताकड़ ताकड़ तत् धुन। ताकड़ आप एक बार फिर से समझ लें कैसे बजेगा ताकड़ ताकड़ इस प्रकार से बजेगा। तो आपको ताकड़ बहुत कड़ के जो बोल है क और ड को आपको बहुत फास्ट बजाना है ऐसा इस प्रकार से, तो ताकड़ ताकड़ तत् धुन वही आपको तत् धुन वही बजाना है आपको, सिर्फ ताता की जगह दो बार ताकड़ आपको यूज़ करना है। तो फिर से आप देखिए कैसे बजेगा।
ये विशेष लेसन मैंने आपके लिए आज बनाया था भजनी ठेका के ऊपर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।